अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। श्री महामति कहे ऐसा जी दीप से ले ठट्ठा में, अब फेर कहो ठठे की भई भी तक जो हमसे, भई भी तक जो हमसे, अब कहो भी तक ठठे की। अब अक्षरती धाम देने श्री लालदास जी के धाम हृदय से ठट्ठे नगर की वित्त का वर्णन करवा रहे हैं। ठट्ठा नगर और लाठी बंदर ये आज संभवतः पाकिस्तान में चले गए हैं, जिनको आज कराची कहा जाता है। श्री जी को अरब जाना है तो दीप बंदर से चलते हुए मंडई याद होते हुए श्री जी समुद्र के किनारे किनारे वाले भागों से ठट्ठे नगर पहुंचते हैं। ठट्ठे नगर में सबसे पहले नाथा जोशी से भेंट होती है, बंधन भाई भी मिलते हैं और भी सुंदर सा ठाकुरु भाई जिंदादास मिलते हैं। बंधन के यहाँ श्री जी कुछ दिन ठहरते हैं, 10-12 दिन, और उसके पश्चात लाठी बंदर आते हैं। लाठी बंदर से श्री जी दवाई की दुकान पे ठहरते हैं और वहाँ से प्रस्थान करना है मस्कत के लिए। प्रस्थान भी कर देते हैं, 17 दिन नाव, जिसको आज की भाषा में जहाज कहते हैं, समुद्र में चलती तो है लेकिन पुनः तूफान आता है और नाव पुनः लाठी बंदर आ जाती है, क्योंकि कुछ आत्माएं रह गई होती है। वही होता है जो धाम धनी चाहते हैं। नीति का कथन है, वलीसी केवलम ईश्वर इच्छा। हम कुछ सोचते हैं लेकिन वही तो होगा जो राज्य चाहेंगे। ठट्ठे नगर में चिंतामणि की आत्मा प्रतीक्षा कर रही है, लालदास जी की आत्मा प्रतीक्षा कर रही है। वह लालदास जी की आत्मा जिनके ऊपर जागने का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, श्री जी के साथ जिनको छाया की तरह रहना है, वही लालदास जी अभी माया में फंसे पड़े हैं सेठ लक्ष्मण दास के रूप में। जब तक वो जागृत न हो, जागने का कार्य तेजी से कैसे बढ़ेगा। एक एक आत्मा पर राज्य की नज़र है कि कैसे किसको निकालना है, क्योंकि ये माया का संसार कैसा है, गोविंद भेड़ा, भूत का मंडल। इसमें हर वस्तु आकर्षक लग रही है लेकिन सार कुछ भी नहीं। सेमल का फूल देखिए कितना सुंदर होता है, एक कौवा आसक्त हो गया सेमल के फूल को देखकर कि जब ये फूल इतना सुंदर है तो इसका फल कितना मीठा होगा। जब फल लगा, उस कौवे ने बेचारे महीनों तक बाट देखी थी, चोंच मारा तो उसकी चोंच में केवल रुई आई, खाने को कुछ नहीं मिला। इसलिए कबीर जी ने कहा है, ऐसा यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिनदस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। सेमल के समान संसार है, सुंदर दिख रहा है, सार तत्व कुछ भी नहीं। यौवन बहुत अच्छा लगता है, अच्छा पद मिले तो अच्छा लगता है, धन आता है तो अच्छा लगता है, प्रतिष्ठा मिलती है तो अच्छा लगता है, कोई विषय का सेवन करने को मिले तो अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम सुन, अंत में क्या मिलता है, एक तृष्णा। जब यौवन आता है तो अच्छा लगता है, जब बुढ़ापा आने लगता है तो लगता है कि अरे अब मैं बूढ़ा होने लगा हूँ क्या, मेरे बालों में सफेदी आने लगती है। धन आता है तो बहुत अच्छा लगता है, जब धन वही लूट जाता है पुनः दुख का कारण बनता है। कोई पद मिलता है, हमको बहुत बड़ा पद मिल गया संसार में, हम खुश होते हैं, जब पद छोड़ते हैं तो दुख होता है। संसार में हर वस्तु दुखदाई है, सासु संत किसी के पास नहीं, और जो इसी संसार को सब कुछ मान लेते हैं उनको केवल पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ते हैं। संसार दिखने के लिए है, वास्तव में तो यह तो है ही नहीं, ये तो एक मृगतृष्णा है कि हम यह पाले यह पाले, सब कुछ पाया, राज्य के चरण कमल न मिले तो जीवन अधूरा रह जाता है। अब परमधाम की आत्माएं जो परमधाम की रहने वाली हैं, माया में आने के बाद
कोई सेठ लक्ष्मण दास बनी है, कोई चिंतामणि के रूप में, महंत के रूप में है, दोनों को पता नहीं कि हम कौन हैं। एक अपने को सेठ समझ रही है, एक अपने को महंत समझ रही है। माया का आवरण दोनों पर है, सबको निकालना है। अब श्री जी पुनः लाठी बंदर से ठठे नगर आते हैं। ठाकुरी बाई, जिंदा दास सब मिलते हैं, सब सेवा करने लगते हैं और वहाँ चर्चा प्रारंभ हो जाती है। चर्चा का प्रवाह जैसे बढ़ता है, आप जानते हैं, फूल खिलता है तो उसकी सुगंध फैलती है। कबीर जी ने एक बहुत ऊंची बात कही है, कबीरा संगत साध की जो गंदी का वास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी वास सुवास। इत्र बेचने वाला जब इत्र बेच रहा हो, आपके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, तो भी जब इत्र बेचते समय कुछ सुगंध तो आपके पास आएगी। उसी तरह से किसी संत पुरुष की समीपता में आप रहेंगे तो कुछ न कुछ ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। अब श्री जी की चर्चा प्रारंभ हो जाती है, लोग सब आने लगते हैं वाणी चर्चा का प्रवास देखकर सुनने के लिए। श्री जी से कोई कहता है, वहाँ के जो भी सुंदर साथी श्री जी ने से सबने कहा कि धाम देनी, यहाँ पर एक चिंतामणि नाम के महंत रहते हैं, उनके हजार शिष्य हैं, यदि आप उनसे बातें कीजिए तो हो सकता है उनके अंदर कोई परम धाम की आत्मा दिख जाए। अब श्री जी स्वयं चले जाते हैं। पहले तो हुआ करता है प्यासा कुएं के पास जाता है, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आता है कि मेरा जल पियो, क्योंकि उसका उद्देश्य है दूसरों को तृप्त करना। अब अक्षरातीत आए हैं, जो महंत की गादी पर बैठा है कुछ तो अभिमान की चादर ओढ़कर ही बैठा होगा कि मैं किसी के पास क्यों जाऊं। अब श्री जी को तो गरज है कि उनकी उन्हें परमधाम की आत्माओं को जगाना है, तभी तो स्वयं अक्षरातीत। आप देखेंगे पन्ना जी तक पहुंचते पहुंचते कहां कहां नहीं जाएंगे, मंदसौर में कई महीने भिक्षा के अन्न पर भोजन निर्वाह करना पड़ेगा, रामनगर में भी कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं, उदयपुर में कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं, हजारों की जमात है, धूप शीत वर्षा का कष्ट है। जिनको जगाना है वो तो घरों में आराम से सो रहे हैं, और जो जगाने वाला है वो गांव-गांव जा रहा है, उसको चैन नहीं है। रात को वृक्षों के नीचे शयन, चाहे वर्षा हो रही हो, चाहे शीत पड़ रही हो, या चिलचिलाती धूप हो, जो जागृत हो रहे हैं वो तो अपने घरों में आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, संगे संबंधियों में हंस बोल रहे हैं। अब श्री जी जाते हैं, चिंतामणि जी देखकर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि बताइए, आप कुछ देने आए हो तो मुझे दीजिए, और यदि आप लेना चाहते हैं तो मेरे पास जो कुछ है मैं देने के लिए तैयार हूँ। यदि आप कहिए तो मैं अपने योग बल से आपको चतुर्भुज स्वरूप विष्णु का साक्षात्कार करवा सकता हूँ, या ज्योति स्वरूप का दर्शन करवा सकता हूँ, या सहस्रसाई शेष नारायण का दर्शन करवा सकता हूँ। तीन चीजें। पौराणिक मान्यता में यह माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु शिव सृष्टि के चलाने धलाने चलाने वाले हैं, वेद को यह स्वीकार नहीं है। वेद की मान्यता क्या है कि ब्रह्मा विष्णु शिव सृष्टि के प्रारंभिक पुरुष हैं, संकल्पिक सृष्टि में इनकी गणना होती है, सृष्टि के प्रारंभ में ये पैदा होते हैं नारायण के संकल्प से। चतुर्भुज का अर्थ क्या होता है, गीता में भी वर्णन आता है कि चतुर्भुज स्वरूप को अर्जुन का दर्शन कराया। चतुर्भुज स्वरूप में चार चीजें हैं, एक हाथ में शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है और एक में पद्म है, यानी कमल का फूल है। ये सब अलंकारिक वर्णन है। जैसे कहा जाए कि रावण के 10 सिर थे, 10 सिर नहीं थे, 10 विद्याओं का पंडित था, इसलिए कहा जाता है कि वो 10 सिर वाला था। ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, चार मुखों की क्या हो सकता, समान रूप से एक विद्वान गंभीर अध्ययन करेगा दिन रात तो एक वेद का विशेषज्ञ होता है,
ब्रह्मा जी अंग उपांग सहित चारों वेदों के विद्वान है, इसलिए उनको चतुर्मुख कहा जाता है। आप सोचिए, किसी के चार मुख चारों दिशाओं में हो तो बेचारा वो सोएगा कैसे? लेकिन ये अलंकारिक वर्णन है, न तो ब्रह्मा के चार मुख हैं, न शिव के न पांच मुख हैं, न रावण के 10 मुख हैं, ये सब अलंकारिक वर्णन है। जो कार्य एक मुख से होता है, जो कार्य चार मुख से हो सकता है, वो एक मुख से भी हो सकता है, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं, ये तो एक तमाशा बन जाएगा। लेकिन अलंकार को न समझने के कारण सबने क्या कह दिया कि हाँ ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। एक घटना कही जाती है कि एक बार दुर्गा जी ने दर्शन दिया सहस्त्र मुखी के रूप में, हजार मुख वाली दुर्गा ने बीरबल को दर्शन दिया। बीरबल ने कहा कि माते, पहले तो खूब खुश हुए कि माता श्री का दर्शन हो गया, उसके बाद उदास हुए। दुर्गा जी पूछती हैं कि बेटे तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? बीरबल कहता है कि माता, जब हमारा एक मुख है हमको जुकाम हो जाता है तो परेशानी हो जाती है, आपके हजार मुख में जुकाम हो जाएगा तो आपका क्या हाल होगा? आप सोचिए, क्या आफत मोलने की आवश्यकता है। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि चतुर्भुज का मतलब चार मुखी, ये चतुर्भुज का तात्पर्य चार भुजाएं ही है। ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रारंभ में ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी रहे, इसलिए उनको कहा गया कि चतुर्मुख है, यानी चारों वेदों का अंग उपांग सहित ज्ञान रखते हैं। विष्णु के चार भुजाएं मानी गई। विष्णु का कार्य क्या है? रक्षा करना। जो सांकल्पिक सृष्टि पैदा हुई वो हिमालय में हुई, हिमालय क्षेत्र में उसका विस्तार हुआ, जो उस समय की प्रजा थी उस समय उसकी प्रजा की रक्षा करना विष्णु का उत्तरदायित्व था। एक हाथ में शंख है, शंख किसका प्रतीक है? ज्ञान का। चक्र किसका प्रतीक है? संगठन का। पद्म कमल किसका प्रतीक है? ऐश्वर्य का। और गदा किसकी प्रतीक है? शक्ति का। आपके पास ज्ञान होगा, ऐश्वर्य होगा, शक्ति होगी, संगठन होगा, तभी आप जन समाज की, समाज की, साम्राज्य की सुरक्षा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये अलंकारिक वर्णन है। विष्णु भगवान बद्रिकाश्रम में रह करके तप करने लगे, मानसरोवर में रह करके तप करने लगे। शंकर जी कैलाश में तप करने लगे और ब्रह्मा जी ने हिमालय और पुष्कर क्षेत्र में अपना निवास बनाया, अपना ज्ञान विज्ञान चारों ओर फैलाया। ये सृष्टि के प्रारंभिक काल के एक तरह से महर्षि कहा जा सकता है, योगी यति हैं। ऐसा नहीं कि ये परमात्मा है, परमात्मा तो कोई और है। रामचरितमानस में कहा है कि शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजे जास अंशते नाना, जिसके अंश मात्र से असंख्य ब्रह्मा विष्णु शिव पैदा हो जाते हैं। आज हिंदू समाज इन्हीं को ही परमात्मा माने बैठा है, इसलिए क्योंकि उसको धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं है। अब चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन करने का कराने का क्या भाव है? योग दर्शन में लिखा है मूर्धा ज्योति सिद्ध दर्शनम। मूर्धा में आप संयम करें, समाधि लगाएं, तो आपको सिद्ध पुरुषों का दर्शन हो सकता है। आप राम का दर्शन कर सकते हैं, शिव का दर्शन कर सकते हैं, हनुमान का दर्शन कर सकते हैं, विष्णु भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ये महापुरुष हैं, परमात्मा नहीं। परमात्मा तो वह है जिसका कभी जन्म नहीं होता, किसका मरण नहीं होता, जो माता के गर्भ में नहीं आता, जो पंचभौतिक तन धारण नहीं करता। इसलिए कह तो रहे हैं वो चिंतामणि जी श्री जी से, आप कहिए तो मैं चतुर्भुज स्वरूप विष्णु का साक्षात्कार करवा सकता हूँ, यानी योग बल से मूर्धा में आपको समाधिस्थ करा दूंगा, आप दर्शन कर सकते हैं। आपको झिलमिली ज्योति का दर्शन करा सकता हूँ। पांच ब्रह्मांडी शब्द होते हैं, राधा स्वामी मत में जाएंगे, कबीर पंथ में जाएंगे तो पांच शब्दों का ज्ञान दिया जाता है, उसी को नामदान कहते हैं। निरंजन, ओम, सोहम, शक्ति और रंग। इन पांचों के नाम को वो लोग जपा करते हैं कुछ लोग, जबकि वास्तविकता क्या है? ब्रह्मांड के ये पांच शब्द हैं, अलग अलग मंडल हैं, उनमें आप संयम करेंगे। संयम किसको कहते हैं? धारणा, ध्यान और समाधि की प्रक्रिया को संयम कहते हैं।
जैसे ये दोनों भावों के बीच का स्थान है, इसको कहते हैं भृकुटी। भृकुटी में आप संयम करेंगे तो आपको निरंजन शब्द सुनाई पड़ेगा। जैसे थाली को ठोकने पर झन की आवाज आती है, वैसे भृकुटी में दोनों भावों के बीच में आप ध्यान करते रहिए, निरंजन की ज्योति दिखाई देगी, शब्द सुनाई पड़ेगा। ये भृकुटी है, इसके ऊपर कहलाएगा ये त्रिकुटी। यहाँ पर आप मन को एकाग्र कीजिए, धारणा ध्यान कीजिए, तो आपको ओम शब्द सुनाई पड़ेगा, ओम की ध्वनि सुनाई पड़ेगी और ज्योति दिखाई पड़ेगी। उसके ऊपर और ध्यान कीजिए तो आपको सोहम शब्द सुनाई पड़ेगा, और दसवें द्वार से थोड़ा और नीचे ध्यान कीजिए तो आपको शक्ति शब्द सुनाई पड़ेगा, और दसवें द्वार में आप ध्यान करेंगे तो ब्रह्मांड का आखिरी छोर है, वहाँ रणंग शब्द सुनाई पड़ेगा और झिलमिल ज्योति दिखाई पड़ेगी। झिलमिल ज्योति का तात्पर्य क्या है? अपने जीव की ज्योति आपको दिखाई पड़ेगी दसवें द्वार में। यहाँ योगी महात्मा जाकर के रुक जाते हैं कि हमने ज्योति स्वरूप का दर्शन कर लिया, हमने परमात्मा को पा लिया, यहीं से भटकाव शुरू हो जाता है। ध्यान समाधि में किसी को सूर्य के प्रकाश का दर्शन हो गया, किसी को चंद्रमा के प्रकाश का दर्शन हो गया, किसी को कुछ जुगनू के जैसे तारों के जैसे प्रकाश का दर्शन हो गया, तो इसका मतलब नहीं है कि उसने परमात्मा का दर्शन कर लिया। प्रकृति का जो प्रकाश दिखाई पड़ता है उसी को लोग परमात्मा का दर्शन मानकर भटक जाते हैं। 10 अनहद भी होते हैं, 10 अनहद होते हैं, ताल मृदंग झांझ डंप सिंह गर्जन मुरली वीणा सहनाई किंकर, ये सब मधुर ध्वनियाँ हैं। ओम के क्षेत्र में जैसे ये मैंने कहा, जब आप यहाँ ध्यान करेंगे अगल बगल, जैसे ही मन एकाग्र होगा, ब्रह्मांड की ये ध्वनियाँ हैं आपको मोहक रूप में सुनाई पड़ेगी। दुनिया में इनसे अधिक मधुर ध्वनि आपने कहीं नहीं सुनी होगी। योगी इन्हीं के जाल में फंस जाता है, ये माया के बंधन है, इसको परमात्मा का रूप नहीं मानना चाहिए। आज वहाँ ब्यास जी जाइए, 10-10 लाख लोग एक एक दिन वहाँ पहुँचते हैं, भंडारा होता है तो 10 लाख की संख्या हो जाती है, और सारी साधना इन्हीं 5 शब्दों पर केंद्रित हो जाती है। इस प्रकृति से परे होकर बेहद मंडल में कैसे जाना है ये उनको नहीं मालूम है। चौपाइयाँ जरूर जानते हैं, लेकिन 5 शब्दों को सुनने के लिए, इसका नाम दान लेने के लिए बेचारे लोग कितनी कठोर सेवा करते हैं, उनकी सेवा के सामने हमारा समाज कहीं नहीं ठहरता है। वहाँ 1 घंटे केवल चर्चा होती है, 1 घंटा ध्यान कराया जाता है, लेकिन संख्या होती है 10 लाख की। हमारे यहाँ 8 घंटे ध्यान कराया जाता है, जब चितवनी शिविर लगता है तो 2 घंटे का प्रवचन होता है, 1 घंटे आसन प्राणायाम होते हैं, 11 घंटे का कार्यक्रम होता है, फिर भी देखा जाता है सुंदर साथ सेवा से कितना भागते हैं। चारों तरफ गंदगी पड़ी होती है, सबसे कहना पड़ता है कि भाई आप अपने कमरे के आगे की सफाई कीजिए, आप कीजिए, क्योंकि हम सुंदर साथ में सेवा भावना नहीं है। हाँ, प्रशंसा करनी होगी उन सरदार लोगों को, सिखों जो गुरुद्वारों में जाते हैं, कहीं भी गुरुद्वारे में जाएंगे कहीं गंदगी नहीं देखने को मिलेगी। राधा स्वामी के किसी भी स्थान में जाएंगे आपको गंदगी नहीं मिलेगी, वहाँ सेवा में हर कोई समर्पित रहता है। कहने का तात्पर्य क्या है, उनके लिए 1 घंटे की चर्चा, वो भी कोई उच्च स्तर नहीं होता, और 1 घंटे का ध्यान बहुत बड़ी संपदा होती है। अब कह रहे हैं चिंतामणि जी कि आप बताइए, यदि आप कहेंगे तो मैं 10 अनहदों की ध्वनि भी सुनवा सकता हूँ, झिलमिल ज्योति भी दिखवा सकता हूँ, शेष साई, शेष किसको कहते हैं, शून्य को, शून्य कहते हैं निराकार को, निराकार में जो शयन कर रहा है उसको कहते हैं शेष साई नारायण, या उसको कहते हैं आदि नारायण। सर्प के ऊपर नारायण नहीं सो रहे हैं, ये सारा वर्णन तो अलंकारिक है, इस अलंकार को न समझने के कारण सभी यही मानते हैं कि शेष नाग की सैया बनाकर नारायण सोते रहते हैं, ये पुराणों में लिखा है। जब 5 तत्व तो थे ही नहीं तो नाग कहाँ से पैदा हो गया। शेष यानी शून्य मोह सागर में जिस अक्षर ब्रह्म का मन स्वप्न के रूप में प्रकट होता है, स्वप्निक रूप है अक्षर का नारायण, इसलिए उसको शेष साई नारायण कहते हैं। शेष साई नारायण कहिए, प्रणव ओंकार कहिए, आदि नारायण कहिए,
महाविष्णु कहिए, हिरण्यगर्भ कहिए, सब उसी के नाम। इसको न समझने के कारण लोगों ने मान लिया कि शेषनाग की सैया बनाकर नारायण सोते रहते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। नार कहते हैं मोह सागर को, मोह सागर में जिसका निवास है वो है नारायण। अपनी योग साधना के कारण प्रसिद्ध थे चिंतामणि जी, उनके गुरु जी थे वाराणसी के, उन्होंने कहा था कि चिंतामणि, क्योंकि काशी में कबीर जी का जन्म हुआ था और काशी में बहुत बड़ा मठ है कबीर पंथ का, वो कबीर मत के अनुयायी थे, राम कबीर नाम कबीर पंथ का के वो मानने वाले थे, जिसमें कमाल को प्राथमिकता दी जाती थी। आज दुर्भाग्य से ये देखने को मिलता है कबीर पंथ के जो भी बड़े बड़े महात्मा होते हैं सब अपने को कबीर जी का अवतार घोषित कर देते हैं और यही मानते हैं कि कबीर जी से बड़ा कोई नहीं हुआ। देश में जितने भी सभी महात्मा हैं, अभी रामपाल जी जो कैद खाने में शायद हैं, वो भी कहते थे कि मैं ही कबीर जी का अवतार हूँ, मैं ही परमात्मा स्वरूप हूँ। और भी कई महात्मा हैं, जम्मू की तरफ भी एक महात्मा जी का बहुत प्रचार है, वो भी कहते हैं कि मैं ही कबीर जी का अवतार हूँ। ये भ्रम चल पड़ा है। अब उनके गुरु जी ने कहा बरस पाँच बीते गए 5005 तब यह वचन होएगा साँचा। उन्होंने कहा कि चिंतामणि तुम प्रतीक्षा करना, तुम्हारे जीवन काल में विचारानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का मिलन होगा और तुम्हारे लिए वह सुनहला अवसर होगा। चिंतामणि यही खोजा करते हैं, जिस किसी महापुरुष को देखते हैं सोचते हैं कि कहीं मेरे गुरुदेव ने जो कहा था वो यही तो नहीं है। अब श्री जी कहते हैं कि भाई मैं तो लेने आया हूँ, आप बताइए। जब ये सब बातें हो रही थी अचानक उनके मुख से निकल पड़ा कि देखिए ये सारी चीज़ें तो हद के ब्रह्मांड की हैं, कबीर जी का ज्ञान इनसे भी ऊपर है। मैं आपको कबीर जी का ज्ञान तो सुनाऊंगा ही, लेकिन कमाल जी का ज्ञान उनसे भी ऊपर है, मैं आपको उनका परिचय देता हूँ। उन्होंने एक दोहा कहा कि कौड़ी से हीरा भया, हीरा भया से भया लाल, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। उन्होंने कहा कि देखिए कबीर जी कहते हैं कि मेरे माता पिता एक कौड़ी थे, कौड़ी आप समझते हैं सफ़ेद रंग की होती है, बच्चे खेला करते हैं, कौड़ी से हीरा भया, मैं उनका पुत्र हीरा हूँ, हीरा से भया लाल, और मेरा पुत्र कमाल जो है लाल कहते हैं माड़ी को, मेरे से भी अच्छा अधिक हुआ, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। कबीर जी परमात्मा के आधे भक्त हैं और कमाल परमात्मा के पूरे भक्त हैं। यह बात जैसे ही उन्होंने कहा श्री जी को बहुत बुरा लगा, कहते हैं कि चिंतामणि जी लगता है कि आप सच्चे ज्वेलरी नहीं हो। जो ज्वेलरी किसको कहते हैं, जो हीरे मोती की पहचान करता है। कहा कि तुमने तो उल्टा पुल्टा कर दिया, कहाँ अक्षर ब्रह्म की वासना कबीर और कहाँ माया का जीव कमाल, तुम कमाल जी को अक्षर की वासना कबीर जी से भी ऊपर कहने लगे। कबीर जी का ज्ञान बेहद तक है, परम धाम की बात करते हैं, तुमने तो इसका अर्थ ही उल्टा कर दिया। बताया श्री जी ने कि देखिए इसका अर्थ कैसे होगा, घटना का क्रम जोड़ा। घटना यह है, एक बार कबीर जी के किसी भक्त ने कबीर जी की अनुपस्थिति में उनके घर बहुत धन संपत्ति हीरे मोती पहुंचा गया। कबीर जी आपको मालूम है ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने पवित्रता की कमाई खाई है, इस पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम पवित्र अन्न ग्रहण नहीं करते, आराम से बैठे रहते हैं कहीं भी किसी भी आश्रम में किसी भी, तो उसका हमें प्रायश्चित करने का अवसर नहीं मिलता, हमारी बुद्धि खराब हो सकती है। इसलिए कुछ न कुछ श्रम करना चाहिए, या तो भक्ति कीजिए या सेवा कीजिए, तो उसका प्रायश्चित होता है। कबीर जी क्या करते हैं, कपड़ा बुनते हैं, जो बचता है उसका आधा हिस्सा दान कर देते हैं,
जो आमदनी मिलती है उसका आधा हिस्सा दान कर देते हैं और उससे जो बचता है उसमें अपना भरण पोषण करते हैं। लोई और कमाल उनके पास रहते हैं। लोई इनकी पत्नी नहीं है, रहती थी, वो भी शिष्या है एक तरह से। कमाल उनके पुत्र नहीं है लेकिन पुत्र की तरह माना था। विद्वानों ने कमाल को पुत्र मान दिया और लोई को पत्नी मान लिया। ऐसा लोई पत्नी नहीं है, शिष्या रूप में रहती थी, सेवा करती थी। कबीर जी को किसी से कोई आसक्ति नहीं है लेकिन जो शरण में आ गया सोचा कि चलो ठीक है। कमाल की कहानी यह है कि कमाल एक के रूप में एक शेख कर्दी नाम का एक सूफी फकीर थे। सिकंदर लोदी का जमाना था उस समय और सिकंदर लोदी की आदत थी, कट्टरता थी उसमें बहुत अधिक। प्रातःकाल जब तक कुछ हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काट नहीं लेता था भोजन नहीं करता था। उन्होंने कबीर जी को जेल में बंद करवाया, देखा कि कबीर जी तो बाहर टहल रहे हैं। कई बार जब उसको प्रायश्चित हो गया तो उसने अपने गुरु शेख अकर्दी को कबीर जी के साथ किया कि देखो इनकी परीक्षा लो, इनके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं, मैं इनको कारागार में बंद करता हूँ, ये कहीं दूसरी जगह दिखाई देने लगते हैं। हाथी के पैर से कुछ लवाना चाहता हूँ, हाथी कुछ नहीं करता। तो एक बार शेख अकर्दी और कबीर जी दोनों नदी के किनारे जा रहे थे, गंगा का किनारा था। एक लड़के की लाश आ रही थी उधर से बहती हुई। कबीर जी ने आवाज़ दी, इधर आ। लाश आ गई। कबीर जी ने कहा कि क्यों सो रहा है, उठ खड़ा हो जा। और वो मरी हुई लाश जिंदा हो गई। उस फकीर के मुख से निकला, कबीर जी आपने तो कमाल कर दिया। कबीर जी हंसने लगते हैं, आज इससे इसका नाम कमाल रखा जाएगा। कोई संसारिक पुत्र नहीं था उनका कबीर जी का। हाँ, कमाल जी, कमाल कबीर जी की सानिध्यता में रहे, जो ज्ञान मिला उसको ग्रहण किया। लेकिन कबीर जी के अंदर तो अक्षर की वासना है, उनको कौन पहचान पाएगा। रात का समय था, उनके घर धन दे दिया गया। रात को जब आते हैं कबीर जी तो उन्होंने फटकार लगाई कमाल को भी और लोई को भी कि तुमने बिना मेरी स्वीकृति के ये धन क्यों रख लिया। उस युग में आजकल की तरह मोबाइल का युग तो था नहीं कि फ़ोन करके पूछ लेते कि ये लाए हैं धन, रखें कि नहीं रखें। कोई श्रद्धा से दे गया तो रख लिया। कबीर ने कहा कि इस धन को फेंको, तभी मैं घर में घुसूंगा, नहीं तो नहीं घुसूंगा। अब प्रातःकाल हो रहा था, कमाल ने सारा जो धन था, जवाहरात, हीरे मोती, जो भी सोना, बाहर फेंकना शुरू किया। बस्ती के लोगों ने देखा तो क्या कहा, अरे कबीर जी संत कहलाते हैं, घर में इतना धन छिपाए बैठे थे, ये कमाल कितना बड़ा संत है कि देखिए हीरे मोती जवाहरात को तो वो फेंक रहा है और कबीर जी छिपा कर रखे थे। दुनिया की नज़रों में परमात्मा का सच्चा भक्त कौन हुआ, कमाल। और कबीर जी आधे भक्त, जो महात्मा तो कहलाते हैं लेकिन माया का मोह रखते हैं। सच्चाई क्या थी, कबीर जी आधे भक्त हैं माया के, अंदर से परम संत हैं, बेहद का ज्ञान रखते हैं, अपनी कृपा दृष्टि किसी को भी बेहद का साक्षात्कार करा सकते हैं। लेकिन ऊपर से गृहस्थी का चोला धारण कर रखा है कि कपड़ा भी बुनते हैं। दुनिया देखने पर दुनिया वाले ये समझते हैं कि ये तो कोई गृहस्थ संत हैं, लेकिन कबीर जी की कोई वास्तविक पहचान नहीं कर पा रहा है। इसको कहते हैं आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। यानी कबीर जी जो है माया के आधे भक्त हैं, परमात्मा के पूरे भक्त हैं, और कमाल परमात्मा के आधे भक्त हैं, माया के पूरे भक्त हैं। उसका उल्टा अर्थ उन्होंने कर दिया था। कबीर जी की इस साखी पर श्री जी ने अपनी अनुपम चर्चा की और कहा कि देखिए चिंतामणि जी, यदि आप पहचान करना चाहते हैं कि कबीर जी क्या हैं, तो मैं उनका एक शब्द सुनाता हूँ। शब्द यानी पद। एक पलक से गंग जो निकसी, हो गई चौदिस पानी, उस पानी तो पर्वत ढांपे दरिया लहर समानी। इसमें इस चौपाई का दो प्रकार से अर्थ किया जाता है अपनी अपनी मान्यता के अनुसार। एक मान्यता के अनुसार दो पलके हैं, अक्षर ब्रह्म और अनंत अंग श्यामा जी।
आनंदंग और सतंग दो पलक हैं। एक पलक से गंग जो निकसी हो गए 34 पानी, एक पलक से मोह सागर का विस्तार हुआ जो चारों तरफ फैल गया, पानी ही पानी फैल गया यानी मोह सागर फैल गया, गंगा रूपी गंगा का जल चारों तरफ फैल गया। उसमें दोनों पर्वत डूब गए। दोनों पर्वत कौन है? सतंग और आनंदन। दरिया लहर समानी, दरिया यानी गंगा की लहरों ने दोनों पर्वतों को अपने में समा लिया, छिपा लिया, ये सामान्य अर्थ है। लेकिन इस चौपाई में कुछ और इस शब्द में बातें कही गई है। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी बोले मधुरी वाणी, उस मक्खी के मक्खा नाही बिन पानी गर्भानी। आगे कहते हैं, वो गर्भे गुण तीनों जाए वो तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को बूझे सो सतगुरु में चेला। यदि हम पहले वाले अर्थ को वास्तविक मानते हैं तो समस्या आती है कि अर्थ तो कोई भी कर लेगा कि सतंग आनंदंग चिदघन स्वरूप श्री राज्य और अक्षर ब्रह्म से मोह सागर का विस्तार हुआ, जो वेद शास्त्र पढ़े हैं, संत साहित्य पढ़ रहे हैं, कर लेंगे। लेकिन कबीर जी ने चुनौती दी है कि इसका जो अर्थ बताएगा वह सतगुरु होगा, मैं शिष्य होऊंगा। और इसी पर कहा था कबीर जी के पंथ के जो चिंतामणि जी हैं, उनके गुरु जी ने काशी में कहा था कि जो इसका अर्थ बता दे समझ लेना कि वो परमात्मा के स्वरूप ही तुम्हारे पास आएंगे और तुमको मिलने वाले हैं। और चिंतामणि जी उसी प्रतीक्षा में रह रहे थे। अब श्री जी उसका अर्थ बताते हैं कि देखिए, एक पलक से गंग जो निकसी हो गए 34 पानी, परम धाम में चितघन स्वरूप और आनंद स्वरूप दो स्वरूपों की लीला होती है। सतंग अक्षर ब्रह्म है, परमात्मा को क्या कहते हैं? सत चित और आनंद। चितघन स्वरूप श्री राज्य के नेत्र विलास से परम धाम में प्रेम और आनंद की लीला होती है। पूरा परम धाम स्वलीला अद्वैत है। चितघन स्वरूप श्री राज्य का ही दिल श्यामा जी और सखियों के रूप में लीला करता है, वह अक्षर की लीला नहीं है। इसलिए दोनों पलकों से जो सच्चिदानंद परब्रह्म का स्वरूप है चित और आनंद के रूप में क्रीड़ा कर रहा है। राज्य क्या चाहते हैं? मेहर का दरिया दिल में लिया तो रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। मेहर का दरिया क्या है? राज्य अपने स्वरूप की पहचान कराना चाहते हैं। एक तो पाशाही अर्श की, दूजे वहदत का इश्क, सो दिखलाने रूहों को पहले दिल में लिया हक। अपनी मार्फत की पूर्ण पहचान कराने चाहते हैं, अपने दिल की पहचान कराने चाहते हैं। इसलिए मेहर का दरिया दिल में लिया, सखियों के अंदर इच्छा पैदा कर दी कि ये माया का खेल मांगे, और अपने सतंग अक्षर ब्रह्म के अंदर ये इच्छा पैदा कर दी कि ये परम धाम की लीला की इच्छा करें। दोनों एक दूसरे के खेल देखने की इच्छा कर रहे हैं। इसको कहते हैं मेहर का दरिया दिल में लिया। जब आशिक अटूट प्रेम करता है तो अपना पूरा दिल लुटा देता है। राज्य ने अपना पूरा दिल लुटाया यानी अपने दिल के अपने स्वरूप की पहचान देनी चाहिए। तो ये लीला पैदा की कि आनंद अंग को सत की लीला देखने के लिए प्रेरित कर दिया और सत को आनंद की लीला देखने के लिए प्रेरित कर दिया। इसको कहते हैं मेहर का दरिया दिल में लिया तो रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। एक पलक से गंग जो निकसी हो गई 34 पानी, चित स्वरूप चित्रूप स्वरूप चिदघन स्वरूप श्री राज्य के एक पलक से उनके दिल में इच्छा हुई। एक पलक से गंग जो निकसी, गंगा यानी इच्छा रूपी गंगा। एक पलक से गंग जो निकसी हो गई 34 पानी, राज्य ने अपने मन में इच्छा की कि मैं अपने हृदय का भेद बता दूं तो सारे परम धाम में पानी पानी हो गए, वो इच्छा रूपी गंगा फैल गई। तीन पानी तो पर्वत ढांपे, उस इच्छा रूपी गंगा में दोनों पर्वत डूब गए सतंग और आनंदंग। अक्षर ब्रह्म क्या चाह रहा है कि मैं परम धाम की लीला देखूं। अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरसत, सोसुद अक्षर को नहीं जो किन्वित केल करत। तीन पानी तो पर्वत ढांपे दरिया लहर समानी। दरिया के दो अर्थ होते हैं, एक नदी भी होता है और सागर भी होता है। सागर की लहरों में सब समा गया है,
यानी मेहर के सागर ने, जो मेहर का सागर है अक्षरातीत के दिल में, कि मैं सबको अपनी पहचान कराऊं, उसमें सब समाहित हो गए, यानी राज्य अपने स्वरूप की पहचान देना चाहते हैं। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी बोली मधुरी वाणी, अब ये कब होगा? खेल बनेगा। खेल जब बनेगा तो परब्रह्म के आदेश की शक्ति से ही सब कुछ होगा। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी बोले मधुरी वाणी, तरवर यानी संसार रूपी वृक्ष, परम धाम की आत्माओं को इस खेल में आना है, अक्षर ब्रह्म को आना है, अक्षरातीत को आना है, तो मधुरी वाणी यानी संसार के सभी ग्रंथों में साक्ष्या लिखवा दें कि सच्चिदानंद परब्रह्म अपनी आत्माओं के साथ बता रहे हैं। उड़ उस मक्खी के मक्खाना ही बिन पानी गर्वानी, परब्रह्म की आदेश शक्ति का कौन प्रियतम होगा, क्योंकि जो आदेश शक्ति है उन्हीं का स्वरूप है। बिन पानी गर्भाई गर्भानी, गर्भ यानी बिना पति के ही उसको गर्भ हुआ, कहने का से क्या है, परब्रह्म की आदेश शक्ति स्वयं उनका स्वरूप है, इसलिए उनके आदेश से संसार रूपी सृष्टि के गर्भ की रचना हुई। संसार गर्भानी का मतलब संसार रूपी सृष्टि का प्रकटन हुआ, यानी यह सृष्टि प्रकट हुई। आगे कहते हैं, ओ गर्भे गुण तीनों जाए, उस गर्भ से सत्व रजतम की सम्य अवस्था वाली प्रकृति का प्रकटन हुआ। वो गर्भे गुण तीनों जाए, वो तो पुरुष अकेला परमात्मा है, इस सृष्टि से अलग है, उस इच्छा के कारण, उस परब्रह्म के आदेश के कारण सत्व रजतम की सम्य अवस्था वाली प्रकृति पैदा हुई, जिससे मोह जल का विस्तार हुआ और उससे तीनों गुण प्रकटे, मोह सागर फैला। कहे कबीर या पद को पूजे, सो सतगुरु में चेला। कबीर जी कहते हैं कि जो इसका रहस्य बता देगा मैं उनका शिष्य होऊंगा और वह मेरा सतगुरु होगा, यह अर्थ कर श्री जी वहाँ से चल देते हैं। अब चिंतामणि व्याकुल हो जाते हैं, अपने शिष्यों से कहते हैं कि देखो, मैं इतने वर्षों से जिनकी बाट देख रहा था, ये वही स्वरूप है जो इस शब्द का अलौकिक अर्थ बताए, आज तक किसी को ये मालूम नहीं था। अब ये जैसे आपस में विचार कर रहे थे, श्री जी वहां से सुंदर साथ के साथ चल देते हैं। अब चिंतामणि को आग लग जाती है हृदय में, चिंतामणि ढूंढत फिरे कहां वह साधु का ठोर, बहुत पुकार करो किस खातिर, ये तो सुपन स्वरूप बेहद बनज का होएगा साथी, एक लवे हो से टूटू। संसारी जीवों के सामने परम धाम का ज्ञान सुनाइए, उनको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, उनको सिनेमा के गीत सुनाइए, उसमें पागल हो जाएंगे, संसारिक चीजों में पागल हो जाएंगे, लेकिन जो बेहद की आत्मा होगी, परम धाम की आत्मा होगी, उसको बेहद का या परम धाम का थोड़ा भी ज्ञान मिल जाए तो उसके लिए तड़प हो जाती है। इसलिए वाणी कहती है, एक लवे होसी टुक टुक, वाणी के एक शब्द पर वो टुक टुक हो जाएगी, यानी फना हो जाएगी। श्री जी वहाँ ठट्ठा नगर में कल्लू मिश्र नाम के कथावाचक भी थे, उनके यहाँ भी गए थे, देखा कि वो तो केवल पौराणिक कहानियां सुना करके लोगों का मनोरंजन भर करते हैं, कोई आध्यात्मिक तत्व ज्ञान की चर्चा नहीं होती। आप देखते हैं टीवी पर आजकल भागवत की कथाओं की कितनी भीड़ होती है, लेकिन परमात्मा के बारे में कम बताया जाता है, लोगों का मनोरंजन करना ज्यादा अभिष्ट होता है, और उसमें होता क्या है, नाच गाने चलते रहते हैं, भजन गाए जाते हैं, लोग मस्ती में नाचते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है। पूछिए आप परमात्मा के बारे में क्या जानते हैं, कुछ उत्तर नहीं मिलेगा। अब श्री जी वहाँ देखते हैं कि यहाँ तो कोई आध्यात्मिक तत्ववेत्ता नहीं, चुपचाप वहाँ से चले आते हैं, परमधाम की आत्माओं को जगाना है तो स्वयं चल कर जाना पड़ रहा है। जिसको खोजते खोजते सारी सृष्टि थक गई, उस स्वरूप की आवेश शक्ति जिस तन में बैठी है सबको जगाने के लिए स्वयं चल कर जाता है कि इनमें परम धाम की कोई आत्मा हो मेरी बात तो सुने। अब श्री जी नाथा जोशी के यहाँ चर्चा कर रहे होते हैं और चिंतामणि खोजते खोजते वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्होंने पता नहीं लिया था कि आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ ठहरे हैं, लेकिन जब हृदय में उमंग होती है खोजने की तो आदमी खोज ही लेता है। यही कारण कहा जाता है, जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी बैठ,
मैं बपरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। खोजने वाले को तो परमात्मा मिल जाते हैं, लेकिन मनुष्य खोजे तब तो। एक शहर में है, आजकल की तरह इतनी लंबी बस्ती तो चौड़ी बस्ती हुआ नहीं करती थी। श्री जी कहाँ ठहरे हैं चिंतामणि खोज लेते हैं, और जब श्री जी चर्चा कर रहे होते हैं चिंतामणि जी आकर के बैठ जाते हैं। दो तीन दिन चर्चा सुनते हैं, उनको चर्चा बहुत अच्छी लगती है, शुद्ध हृदय से समर्पण करने लगते हैं। उनके शिष्यों में खलबली मच जाती है कि हम जिनको अपना सर्वोपरि गुरु मानते थे वो लगता है किसी और महात्मा की शरण में जा रहे हैं, तो ये तो कैसे होगा, क्या हमारे गुरुदेव पूर्ण नहीं थे। हर शिष्य की श्रद्धा होती है कि मेरा गुरुदेव पूर्ण होगा, ये श्रद्धा अच्छी है, होनी चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, पूर्ण केवल परमात्मा है, और जो उस पूर्ण से जुड़ा होता है वो कभी भी इस बात का अहंकार नहीं लेता कि मैं पूर्ण हूं। पूर्ण होते हुए भी पूर्णता का अहंकार नहीं लेगा, क्योंकि जिस दिन वो अहंकार ले लेगा उसकी पूर्णता समाप्त हो जाएगी। यदि हमारे मन में अहंग आता है कि मेरे से बढ़कर कोई संसार में ज्ञानी नहीं, मेरे से बढ़कर परमात्मा का कोई साक्षात्कार करने वाला नहीं, तो अहंकार की ग्रंथि तो आ गई, और ये अहंकार की ग्रंथि कहाँ से आई, अज्ञानता के कारण। जिसने सब कुछ मिटा दिया वही तो उसका स्वरूप बनेगा। मारिया कहिया, काढ़िया कहिया, और कहिया हो जुदा, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहिया खुदा। जिसने मैं खुदी को मार दिया, मैं हूं ही नहीं। एक करोड़पति आदमी थे, महात्मा बन गए, तो जो भी महात्मा मिलता था उसको सुनाते फिरते थे, आपको मालूम है मैं करोड़पति था, वैराग्य हो गया, मैंने करोड़ों की दौलत को ठोकर मार दिया। ठोकर तो उसने मारी है, लेकिन अच्छी तरह से नहीं मारी है, क्योंकि यदि बढ़िया से मार दिया होता फिर उसके मुख से कभी शब्द ही नहीं निकालते कि मैंने मार दिया। इसलिए जब किसी को संन्यास की दीक्षा दी जाती है तो उसका नाम बदलवा दिया जाता है। नाम बदलवाने का मतलब अब वो किसी जाति का नहीं रहा, किसी घर का नहीं रहा, किसी एक स्थान का नहीं रहा, वो सारी पृथ्वी का है। उसके लिए ब्राह्मण में चंडाल में कोई भेद नहीं है, सारी दुनिया उसकी है, वो सबका भला सोचेगा। पृथ्वी के हर प्राणी का भला सोचना उसका कर्तव्य है। वो हिंदू का भी भला सोचेगा, मुसलमान का भी सोचेगा, क्रिश्चियन का भी सोचेगा, ब्राह्मण भी खिलाएगा तो खा लेगा, चंडाल भी खिलाएगा तो खा लेगा। और उसका अपना एक व्यक्तिगत कोई घर नहीं रह गया कि इस घर से हमारी गहरी घनिष्ठता है, ये हमारे माता पिता हैं। शंकराचार्य ने क्या कहा है, न अस्ति माता न पिता न भ्राता न सहोदरा। सन्यासी किसको कहते हैं, माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, मित्र नहीं। हाँ मित्र भी हैं, कौन है, धैर्यम पिता, उसका पिता कौन है, धैर्य। क्षमा माता, क्षमा का गुण है, क्षमा ही उसकी माता है। पत्नी भी उसकी है सन्यासी की, उस पत्नी क्या है, शांति, हर अवस्था में शांत बना रहे, शांति का गुण उसके अंदर है, वो उसकी पत्नी है। धैर्यम पिता, क्षमा माता, शांति पत्नी, विद्या उसकी बहन है, दिशाएं उसके वस्त्र हैं, हाथ का सिरहाना ही तकिया है, नदियों का बहता हुआ जल ही उसका पेय है, भिक्षा में मिला हुआ जौ का सत्तू हो, ये बिना मांगे जो मिल गया वही आहार है, वृक्षों से गिरे हुए फल ही उसका आहार है, दिशाएं ही वस्त्र हैं। ऐसे योगी को संसार में किसी का भय नहीं होता। डरता कौन है, जो कमजोर है वही तो डरता है। जो अभय हो गया, शरीर से परे हो गया, उसको मृत्यु भी उसके पास आने से कांपती है, क्योंकि वो तो शरीर से परे हो गया, वो नाम से परे हो गया, वो कुल खानदान से परे हो गया। न उसको सम्मान चाहिए न अपमान चाहिए। 56 भोग दे दीजिए तो खुश नहीं होगा, सूखी रोटी दे दीजिए तो खिन्न नहीं होगा कि हमारा भोजन क्या कर दिया। ये संन्यास जीवन है। अब श्री जी के चरणों में आते हैं चिंतामणि जी। श्री जी पर श्रद्धा दृढ़ होने लगती है, उनके शिष्यों को लगता है कि हमारे गुरु जी
श्री जी के शरण में चले जाएंगे क्या? देखिए प्रतिष्ठा कितनी बुरी चीज है। एक बार डोंगरे जी महाराज ने ब्राह्मी साहित्य पढ़ लिया, उन्होंने कहा कि हे कान्हा, जब मेरा अगला जन्म हो तो मुझे प्रणामी बना देना। लेकिन इस जन्म में उतारतम इसलिए नहीं ले सकते थे कि उनके लाखों शिष्य हैं, लाखों शिष्य क्या कहेंगे कि मेरे गुरुजी दूसरे पंथ में चले गए। लेकिन दत्तात्रेय ने क्या कहा है? दत्तात्रेय को कहीं से ज्ञान मिले, वेश्या से भी ज्ञान मिल रहा है, ग्रहण कर रहे हैं। अजगर शांत होकर के बैठा है, हाय तो बन नहीं मचाता कि भोजन तो मिलेगा ही। पक्षी से भी ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, पक्षी चुक चुक करके लाता है, अपना खाता है, संग्रह नहीं करता, अजगर संग्रह नहीं करता। वेश्या से भी ज्ञान ले रहे हैं, जहाँ से ज्ञान मिल रहा है उसको ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे। गुरु अनेकों होते हैं, सतगुरु कौन? अभी आप कीर्तन सुनेंगे, सत चाहो तो शब्दा चिन्ह आपने देवे दिखाई। अखंड की राह दिखाने वाला सतगुरु होता है, जो इन उल्टी से उल्टाई किए पिया प्रेमे करे सन्मुख। संसार में जिससे भी ज्ञान मिलता है उसका सम्मान कीजिए, उससे ज्ञान ग्रहण कीजिए। सांख्य शास्त्र में कपिल जी कहते हैं सट पदवत जैसे भौरा अनेक फूलों से पराग चूसता है, उसको यह नहीं देखना है कि सामने कमल का फूल है या गेंदे का फूल है या कोई अन्य फूल है। पराग जिस भी फूल में है उसे वो ग्रहण करता है। उसी तरह से जहाँ से भी ज्ञान मिलता है उसको आप ग्रहण कीजिए और लक्ष्य तक पहुँचिए। आजकल एक मान्यता चल गई है कि अपने गुरु को छोड़कर जो किसी अन्य की चर्चा सुनने जाएगा वो नरक में जाएगा, डरा दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? कि मेरे बाड़े की भेड़े मेरे से बंधी रहे, मेरे से कहीं अलग ना हो। ये सबसे बड़ी समस्या है। मनुष्य का हृदय विशाल होना चाहिए। जिसे आपने ज्ञान ग्रहण किया है उसका सम्मान कीजिए जीवन भर। लेकिन यदि आत्मकल्याण के लिए ज्ञान कहीं भी मिलता है तो उसको ग्रहण कीजिए। ये माया का धन नहीं है, सौदेबाजी नहीं है। लेकिन जहाँ चढ़ावे का प्रश्न होता है वहाँ कोई भी गुरु ये नहीं चाहता कि मेरे शिष्य कहीं और जाने पाए। और शिष्य भी सोचते हैं कि हमने जिस गुरु को धारण किया वो पूर्ण गुरु है, यदि वो किसी की शरण में जाते हैं तो हमारी इज्जत चली जाएगी। इसलिए शिष्यों में भी बेचैनी फैल जाती है। एक दिन चर्चा के क्रम में श्री जी ने कुछ खंडनी कर दी चिंतामणि जी की। चिंतामणि जी को अभी माया का असर था, अकेले में श्री जी से कहते हैं कि श्री जी, मैं तो आपकी शरणागत हो ही चुका हूँ, क्योंकि मैंने पहचान कर ली है कि आपके रूप में स्वयं परमात्मा का स्वरूप आया है। लेकिन मेरे शिष्यों के सामने कभी कम से कम मेरी खंडनी न कीजिए, क्योंकि मेरे शिष्य क्या कहेंगे कि मेरे गुरु जी की खंडनी हो रही है। ये सबसे बड़ी समस्या है। कोई भी पति अपनी पत्नी के सामने अपना अपमान नहीं सहन कर सकता, उसको बहुत बुरा लगेगा कि मेरी पत्नी के सामने मुझे कोई कहे। कोई शिक्षक ये सहन नहीं कर सकता है कि उसके विद्यार्थियों के सामने उसको कोई कुछ कहे। चिंतामणि के सामने भी समस्या थी कि उनके शिष्यों के सामने उनकी कोई खंडनी करेगा तो उनका अपमान होता है कि मेरे शिष्य मेरे से क्या कहेंगे। लेकिन जिसने इस बाधा को कर लिया उसके लिए परमात्मा से मिलना कठिन नहीं रह जाता। एक बहुत बड़ी माया है। एक ट्रेन में एक बंगाली परिवार जा रहा था, अचानक किसी बात पर झगड़ा हुआ, उस परिवार को के प्रमुख को किसी ने चांटा मार दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी पत्नी को चांटा मार कर दिखाओ, मैं बताता हूँ। फिर उसने उसकी पत्नी को चांटा मार दिया। फिर उसने कहा कि मेरे बच्चों को चांटा मार कर दिखाओ तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। उसने फिर अपने बच्चों को भी उसके बच्चों को भी चांटा मार दिया। जब घर आए सबने कहा कि तुम्हारे से झगड़ा हुआ था, तुमने हमको क्यों पिटवाया? कहा कि तुम नहीं पीटे जाते तो मेरी हंसी उड़ाते कि मैं अकेले पीटे गया। ये संसार है। अपनी इज्जत के लिए दुनिया जीती है, परमात्मा के लिए नहीं जीती। जिसने इज्जत को किनारे कर दिया
वही तो करेगा जिसका अहंग चूर हो चुका है। पहले गुरुकुलों में क्यों भिक्षा मंगवाई जाती थी? चक्रवर्ती सम्राट का भी लड़का है, गुरुकुल में गया तो उसको गौशाला में जाना ही पड़ता था, लकड़ी काट कर लानी ही पड़ती थी, भिक्षा मांगनी ही पड़ती थी। चाहे श्री कृष्ण हो चाहे राम हो, सबको सेवा करनी पड़ी है। आज बच्चे आधुनिक समय में ऐसी विद्यालयों में पढ़ते हैं, एयर कंडीशनर हैं स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल हैं, और ऐसे विद्यालयों से निकले हुए बच्चे अपने माता पिता को भी प्रणाम करने में अपना अपमान समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें अहंग है, उनमें वो विनम्रता कपूट नहीं है। जब एक राजा का लड़का घर घर जाएगा और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर कहेगा भिक्षाम देही, तो उसमें अहंकार कहाँ रह जाएगा? आज अभी स्वाभिमान नहीं है, अभिमान है। स्वाभिमान और अभिमान में बहुत अंतर होता है। स्वाभिमान किसको कहते हैं? अपनी आत्मा का अभिमान। और अभिमान किसको कहते हैं? बाहर का अभिमान, रूप का अभिमान, विद्या का अभिमान, धन का अभिमान, प्रतिष्ठा का अभिमान। इस देश के लोगों में स्वाभिमान होता तो विदेशियों के हाथ अपने देश की गरिमा को नहीं बेचते। इस देश में मानसिंह और जयसिंह हो गए हैं, वो अभिमानी थे, स्वाभिमानी नहीं थे। राणा प्रताप स्वाभिमानी थे, अभिमानी नहीं थे। आज का बालक अभिमानी होता है, माता पिता बड़ों को अपमान प्रणाम करना भी अपमान समझता है। लेकिन यदि ऑफिस में बड़ा अफसर डांट भी रहा हो तो सिर झुका करके सुन लेगा, क्योंकि नौकरी का सवाल होता है। यानी उसका अधिकारी माता पिता से बड़ा होता है, उस माता पिता से जिसने उसको इस दुनिया में शरीर दिया है, जन्म दिया है। उस आचार्य का भी वो अपमान कर सकता है। आजकल के बच्चे परीक्षा में यदि शिक्षक रोकता है तो उन्हीं पर चाकू तान लेते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? जिसने अपने अहंग का विसर्जन कर दिया है उसने बाजी जीत ली। समाधि की अवस्था में क्या होता है? जब अहंग समाप्त हो जाए, न मैं ज्ञानी हूँ, न ध्यानी हूँ, न तपस्वी हूँ, न योगी हूँ, न महात्मा हूँ, न धनवान हूँ, न गरीब हूँ, न शरीर हूँ, न इंद्रियाँ हूँ, न अंतःकरण हूँ, ये सारे विचार जब समाप्त हो जाएं, तो हमारा मन उस परमात्मा में लग जाता है, समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है और उसको आत्मज्ञान हो जाता है। जब तक ये विचार चलते रहते हैं, मैं हूँ, यही तो सबसे बड़ी माया है। आप मैं नहीं हैं तो उस दिन आत्मतत्व का दरवाज़ा खुल जाएगा। एक बीज जमीन के ऊपर पड़ा रहता है, धूप से तप करके सूख जाता है, लेकिन जब वो मिट्टी में मिल जाता है तो एक दूसरा पौधा अंकुरित होता है, और उस पर उस बीज जैसे न जाने कितने बीज लग जाते हैं। ये कब होगा? जब अहंग का विसर्जन हो जाएगा। और यही मनुष्य से नहीं हो पाता। बड़े बड़े योगी महात्मा भी, विद्वान भी अपने अहंग को छोड़ नहीं पाते। चिंतामणि के साथ भी यही माया थी। श्री जी ने कहा कि चिंतामणि, मैं किसी का अपमान करने के लिए थोड़े आया हूँ, तुम्हारी आत्मा की जागृति के लिए मैं कहूँगा तो जरूर, लेकिन उसको केवल तुम समझोगे या मैं समझूंगा, मैं पर्दे में रखकर कहूँगा ताकि तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाए। रात को के समय की चर्चा समाप्त होती है, श्री जी एक किरंतन उतारवाते हैं। श्री जी के तन से किरंतन उतरता है मूल स्वरूप के द्वारा, जिसको आपने अभी सुना। एक अभी कि सुनो रे सत्य के बन जा रे, एक बात कहूँ समझाई। सत्य के बन जा रे, सत्य के व्यापारी, सत्य की राह पर चलने वाले। संबोधन है परमधाम की आत्माओं के लिए। सत्य की राह पर कौन चलता है? परमधाम की ब्रह्मात्माएं। चिंतामणि के अंदर भी परमधाम की आत्मा है और राज्य उसको जागृत कर रहे हैं। सुनो रे सत्य के बन जा रे, एक बात कहूँ समझाई। आंटी आन के फांस लगाई, सो भी उल्टी दिए उल्टाई। बंद पर बंद दिए बिध बिध के, सो खुल्या किन्होंने जाई। आंटी कहते हैं कांट को। किसी व्यक्ति को गले में फांसी का फंदा लगा दिया जाए, आंटी आन के फांस लगाई, गांठ लगा दी गई है, सो भी उल्टी दई उल्टाई, और उसका उसको उल्टा लगा लटका दिया गया है। उल्टा लटकाने का तात्पर्य क्या है?
जैसे मोह सागर में एक प्राणी जन्म लेता है, उसको पता नहीं है कि वो है कौन, कहां से आया है। बंद पर बंद दिए बिध बिध के सो खोलिया कि नहीं न जाई, एक बंधन नहीं है। हम किसी परिवार में जन्म लेते हैं, ये दिखता है हम, हमारे ये माता पिता हैं, ये भाई बंधु हैं। जन्म से पहले हम किस परिवार के क्या थे हमें नहीं मालूम, और यदि हमें मुक्ति नहीं मिलती है तो इस जन्म के बाद हम किस परिवार में क्या बनेंगे, किस योनि में जाएंगे, हमें कुछ नहीं मालूम। तृष्णाओं का बंधन है, लोकेष्णा का बंधन है, वित्तेष्णा का बंधन है, दारिष्णा का बंधन है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार की अग्नि ने हमें जला रखा है, ये सारे बंधन है। बंद पर बंद दिए बिध बिध के सो खोलिया किन्हू न जाई। आगे कहते हैं, चौदह भवन लग यही अंधेरी, पाताल से लेकर वैकुंठ तक अंधेरे ही अंधेरे। सुखदेवे साख पुराई, सुखदेव जी ने भी इसकी साक्षी दी है, तरह तरह की इस किरंतन में प्रबोधित किया गया है कि सत्य चाहो तो सबदा चिन्हो आपने वे दिखाई। कि चिंतामणि, यदि तुम सत्य की पहचान करना चाहते हो तो शब्दों से उनकी पहचान करना, कोई बाह्य आंखों से उनकी पहचान नहीं हो सकती है। जब झूठी छूटे सांची पाइए सतगुर लियो है रिझाई। तुम झूठी को छोड़ो, झूठी छूटे सांची पाइए सतगुर लीजे रिझाई। झूठी तुमने गादी को, एक संसार को छोड़ा, एक डारी तो दूजी भी डारो जलाए देव चतुगारी। तुमने एक झूठे झूठे संसार को छोड़ा लेकिन एक दूसरे संसार को पकड़ लिया जो गादी है, जो महंत तुम बने बैठे हो। शिष्यों की घर परिवार को तो छोड़ा लेकिन शिष्यों की तुमने मंडली बना ली है, और इस मंडली की प्रतिष्ठा को ही तुमने सब कुछ मान लिया है। जिस तरह से तुमने घर द्वार छोड़ा है, शिष्यों की मंडली और प्रतिष्ठा के मोह को तुम जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक तुम्हें ब्रह्मज्ञान का प्रकाश नहीं मिल सकता है। जब वो पढ़ता है, राज जी ने जो किरंतन अवतरित किया प्रातःकाल, श्री जी ने उससे कहा और उससे सुना, जैसे ही उस किरंतन का प्रकाश उसके हृदय में आता है, शिष्यों के सामने चिंतामणि जी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि धामधनी, मैंने आपको पहचान लिया, अब आपके जान की लाठी से काले कुत्ते को मैं मारूंगा। सब लोग सोच रहे हैं कि काला कुत्ता तो दिखाई नहीं दे रहा है, काला कुत्ता क्या है, यही तो अहंग है। जब तक ज्ञान की लाठी नहीं आएगी काले कुत्ते को भला कौन मार सकता है, और यही अहंकार सारे संसार के बंधन का कारण है। एक बार एक सूफी फकीर थे, सिबली नाम था उनका, उनके पास बैत लेने के लिए एक मुस्लिम व्यक्ति आया। उन्होंने कहा पढ़, मुस्लिम परंपरा में जब बैत लिया जाता है तो उसको हाथ को चूमते हैं और दीक्षा लेना उसी को कहते हैं, कुछ उपदेश दिया जाता है। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह सिबली रसूल अल्लाह। तो वो व्यक्ति गुस्से में आ गया, तुमने मोहम्मद का नाम ले लिया, कह दिया कि सिबली रसूल अल्लाह, मैं तुमसे बैत नहीं लूँगा। तो उसने भी कहा कि हाँ तुम इसके योग्य भी नहीं हो, मैं तुम्हें बैत दूंगा ही नहीं। बैत देना यानी जिसको आजकल की भाषा में नाम दाम देना, दीक्षा लेना कहते हैं। दूसरा आया, उसने कहा कि मैं भी आपसे बैत लेना चाहता हूँ। कहा कि बैठो। उनको भी यही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह सिबली रसूल अल्लाह। वो कहता है कि देखिए कुरान मैंने पूरी पढ़ रखी है, पूरी कुरान मुझे कंठस्थ है, मुझे भी मालूम है कि मोहम्मद रसूल है। आप को तो मैं ही सोचता था आप खुदा से मिलकर खुदा बन गए होंगे, और आप कह रहे हैं कि सिबली रसूल अल्लाह, रसूल ही बनना था तो मुझे आपसे बैत नहीं लेना है। कहा कि हाँ तुम इसके पात्र हो, तुमको मैं दीक्षा दूंगा। कहने का तात्पर्य क्या है, जिसने अपने अहंग को नहीं डुबो दिया,
वो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का अधिकारी नहीं है। राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्त होता है, एक राजकुमार है, भिक्षा मांगने जाते हैं, क्या जरूरत है, उनके पास तो हजारों शिष्य थे, किसी से कह सकते थे कि जाओ मेरे लिए भिक्षा मांग कर लाओ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, भगवान बुद्ध हूँ, लेकिन नहीं, अपना काम स्वयं कर रहे हैं, खुद जाते हैं भिक्षा में, चंडाल भी भिक्षा दे उसको ग्रहण करते हैं, राजा भी भिक्षा दे उसको ग्रहण कर दे, एक फल दे दिया किसी ने तो भी ग्रहण कर लिया, कोई भोजन दे दिया तो भी ग्रहण कर लिया, कोई आसक्ति नहीं है। आजकल तो संन्यास की शिक्षा लेदर हो रही है, जो जितना बड़ा महाराज कहलाएगा उसके भोजन बनाने वाले उतने ही लोग इकट्ठे होते हैं। आजकल बड़ा महात्मा किसको माना जाता है, जिसके पास कई गाड़ियां हो, जो फ्लाइट में यात्रा करता हो, और जिसके भोजन बनाने में कई लोगों का समूह इकट्ठा होता हो। जैसे एक राजा महाराजा की सेवा होती है वैसे ही उनकी सेवा करनी पड़ती है। राजकुमार सिद्धार्थ ने तो सारा सुख देखा हुआ है, उन्होंने तो धूप शीत वर्षा का कष्ट नहीं देखा, उनको इस संसार के व्यंजन नहीं चाहिए। जिसने धूप नहीं देखी, धूप का कष्ट नहीं देखा, शीत का कष्ट नहीं देखा, 7 वर्ष की घोर साधना के पश्चात बुद्धत्व प्राप्त करता है तो वृक्ष के नीचे, शरीर भी छोड़ता है तो वृक्ष के नीचे, जन्म भी धारण करता है तो वृक्ष के नीचे, उसको वातानुकूलित कमरा नहीं चाहिए, एसी कार नहीं चाहिए, फ्लाइट नहीं चाहिए, जीवन भर बुद्ध ने कभी पैरों में चप्पल नहीं पहनी, महावीर स्वामी ने चप्पल या जूता नहीं धारण किया, महावीर स्वामी ने तो वस्त्र भी धारण नहीं किया। आज का संन्यास, संन्यास के नाम पर कलंक है, कहने का असह क्या है कि आप प्रतिष्ठा की चाहत को अलग कर दीजिए। एक बात देखा जाए, बेचारे गृहस्थी लड़ते हैं पदों के लिए, ये पद है, धन है, इसके लिए गृहस्थी लड़ते हैं, जो महात्मा होते हैं उनमें भी लड़ाई होती है कि हमारी चर्चा सुनने के लिए ज़्यादा लोग क्यों नहीं आते, हमारे शिष्य कहीं कम तो नहीं हो गए, या हमारे शिष्यों को कोई बहका तो नहीं रहा है, ये राग द्वेष का बंधन उनमें भी चलता है। और जो इन सारे द्वंद्वों से परे हो गया, समझ लीजिए आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान का वही अधिकारी होता है। श्री जी कहते हैं कि शाबाश चिंतामन, तुमने सचमुच अब काले कुत्ते को मार डाला है, और सब शिष्यों के साथ बैठकर चिंतामणि तारतम लेते हैं, खुले तौर पर कह दिया कि ये इनको तुम महात्मा नहीं समझना, इनके अंदर साक्षात अक्षरातीत के चरण कमल हैं, ये अक्षरातीत के स्वरूप हैं, इन्हीं के बारे में मेरे गुरुदेव ने कहा था कि जो इसका रहस्य खोलेगा वो साक्षात परमात्मा का स्वरूप होगा, मैं तो इनकी शरण में जा रहा हूँ, तुम में से जिसकी इच्छा हो इनके चरण ग्रहण कर ले। आपको मालूम है कि समुद्र के किनारे रहने वाले अधिकतर मांसाहारी होते हैं, इसलिए श्री जी ने वहाँ 5 प्रतिज्ञाएं कराई, चार पांच बातों का परहेज कराया। एक तो हराम कहया मांस को, दूजा हराम शराब, तीसरी औरत वीरानी तजे तो पावे हयाती आम, चोरी और झूठ बोलना इनका छुड़ाया उदक। मांस खाना महापाप है, शराब पीना महापाप है। हमारी भारतीय संस्कृति में क्या कहा जाता है, मातृवत परदारेश पर द्रवेश लोष्टवत, आत्मोत सर्वभूतेश या पश्यत से पंडिता, संसार की हर स्त्री को माँ की दृष्टि देखना, दूसरे के धन को मिट्टी के समान देखना, और अपने ही सभी प्राणियों को अपने समान सभी प्राणियों को देखना, 3 चीज़ें हैं। आपके सामने एक चंडाल आ रहा है तो आप उसको दुत्कार दे रहे हैं, एक गरीब आ रहे हैं उसको अपने अपना पास बैठने नहीं दे रहे, तो आप पंडित नहीं, आप विद्वान नहीं, आप ज्ञानी नहीं, आप संत नहीं। भारत का पतन कब हुआ, जब पत्थर के भगवान के दर्शन करने कोई दलित आ गया, छोटी जात का आ गया तो मंदिर को धो देते हैं, अरे तुम्हारे भगवान को छूत लग गई क्या, परमात्मा तो सबका है, पत्थर की मूर्ति तुमने बैठाई, तुमने मंदिर में स्थापित किया है, और वो दर्शन कर लिया दूर से तो तुम मंदिर को धो रहे हो,
आज भी समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल जाता है कि किसी किसी मंदिरों में छोटी जाति वालों को दर्शन करने नहीं दिया जाता, ये दुर्भाग्य है। मुझे इस बार सौभाग्य से श्मशान घाट में जाने को मिला, सरसवा के श्मशान का जहाँ स्थान है, वहाँ मैंने देखा कि अलग अलग जातियों के अलग अलग श्मशान घाट बने हैं। मैं सिर पकड़ कर बैठ गया कि देश इसीलिए गुलाम हुआ, जिस देश के लोग, जिस धर्म के लोग एक जगह दाह संस्कार नहीं कर सकते हैं। श्मशान भी बनाए जाते हैं जहाँ चीता जलाई जाती है वहाँ भी जाति, धर्मशालाएँ बनाई जाती हैं वहाँ भी जाति, मानव की जाति तो एक है, लेकिन जहाँ जाति का इतना झगड़ा चल रहा हो वहाँ अशिक्षा के सिवा और कुछ नहीं। मंदिरों में भी यही प्रवृत्ति देखी जाती है कि अमुक जाति का व्यक्ति ही मंदिर में जा सकता है। मंदिर का दरवाज़ा तो सबके लिए खुला होना चाहिए, परमात्मा सबके लिए है, सूर्य चंद्रमा सबके लिए है, आकाश सबके लिए है, हवा सबके लिए है, लेकिन परमात्मा को जाति विशेष से बांध देना, व्यक्ति विशेष से बांध देना एक बहुत बड़ा अन्याय है। अब श्री जी ने कहा कि जो इन पांच नियमों का पालन कर सकता है उसी को तारतम्य मिलेगा। सबने ग्रहण किया, जिसको ईमान आया, धाम देने ने जिस पर विशेष कृपा की वो श्री जी के चरणों में आया। अब धीरे धीरे वाणी का प्रकाश फैलना शुरू होता है। चर्चा का प्रभाव पूरे नगर में फैलते रहता है। एक और घटना विशेष घटती है। चतुरा नाम का एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है चतुरदास, पुष्करणा ब्राह्मण है, पुष्करण क्षेत्र के रहने वाले थे, जिसे ब्राह्मणों में कई गोत्र होते हैं, गर्ग, गौतम, संडिल, इसी तरह से वो पुष्करणा ब्राह्मण अपने को कहलाते थे। वो श्री जी की सेवा में दूध लाया करते हैं और वो काम करते हैं लाल दास जी के गोदाम में। लाल दास जी, उनका नाम है सेठ लक्ष्मण दास। विदेश से उनके कई कई जहाजों से उनका व्यापार होता रहता है। गोदाम में जाकर वो पूछते हैं कि सेठ जी, आप तो जीवन भर भागवत की कथा कहते रहे हैं, सुनते रहते हैं, भागवत के आप इतने बड़े विद्वान हैं, आप ये बताइए, आप तो बार बार कहा करते हैं कि अखंड ब्रज राज अलग हैं, वो ब्रह्मांड अलग हैं, क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ हैं? लक्ष्मण दास कहते हैं कि भाई मुझे तो नहीं मालूम, तुम क्या जानते हो? कहते हैं कि ये बताइए, आप कहते हैं कि वो ब्रह्मांड अलग है तो कब नजर आएगा? सेठ लक्ष्मण दास कहते हैं कि जब दिव्य दृष्टि मिल जाएगी तो नजर आ जाएगा। चतुरा ब्राह्मण पूछता है कि दिव्य दृष्टि कब पाओगे? जब पांच तत्व का ब्रह्मांड ही नहीं रहेगा, जब आपका शरीर छूट जाएगा, पांच तत्व तीन गुण नहीं रहेंगे तो अखंड ब्रज और रास कहाँ रहेंगे? लालदास जी चौंक जाते हैं, सेठ लक्ष्मण दास, कि यह तुमने ज्ञान कहाँ सुना है? कहा है, कहते हैं चतुरा, कि तुम्हारे ही नगर में इतने दिन हो गए, साक्षात अक्षरातीत के स्वरूप आए हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं, आपके पास समय कहाँ है? आपको तो धन कमाने से ही फुर्सत नहीं। सेठ लक्ष्मण दास कहते हैं कि मुझे वहाँ ले चलो, मैं अवश्य उनकी चर्चा सुनूंगा। कहते हैं कि नहीं, जब तक उनकी स्वीकृति नहीं होगी मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। आकर श्री जी से पूछते हैं कि धामधनी सेठ लक्ष्मण दास इस नगर के सर्वमान्य सेठ हैं, आपके चरणों में आना चाहते हैं। श्री जी कहते हैं कि ले आइए। उनके पास कई और भी सेठ बैठे रहते हैं, वो मना करते हैं कि नहीं धामधनी, वो तो बहुत अहंकारी है। श्री जी कहते हैं कि नहीं, जो आना चाहते हैं उसको आने दो। सेठ लोग सोचते हैं कि यदि लक्ष्मण दास आ जाएंगे तो हमारी महत्ता कम हो जाएगी। कहीं भी जाइए, माया कहीं ना कहीं अपना डेरा बनाए रखती है। श्री जी के पास जो जाते हैं उनके हृदय से भी अभी माया पूरी निकले नहीं है, क्योंकि उनकी अभी आत्मा जागृत नहीं हुई थी। अब सेठ लक्ष्मण दास आते हैं, श्री जी के दर्शन करते हैं, उनको अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। श्री जी देख लेते हैं कि अरे, ये तो यही लाल दास जी जिनके अंदर आसपाई की आत्मा है, जागने का बहुत बड़ा मुद्दा इनके ऊपर है, ये यहाँ सेठ बने बैठी है। अब दो तीन दिन आते हैं, चर्चा सुनते हैं, अखंड ब्रज और रास की चर्चा सुन करके मुग्ध हो जाते हैं। एक दिन बाग में टहल रहे होते हैं,
टहलते टहलते उनका माली जिसका नाम है जिंदरदास पूछता है कि सेठ जी, आजकल आप कथा सुनने जा रहे हैं, लेकिन जिनकी कथा सुनने जाते हैं क्या आपने उनको पहचाना है कि वो कौन है कथा सुनाने वाले? सेठ लक्ष्मण दास को बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है कि पहले तो जो मुझे दूध देने वाला था उसने मुझे शर्मिंदा कर दिया कि आप जिस अखंड ब्रजराज को मानते हैं वो अखंड ब्रजराज है कहाँ, मुझे उत्तर नहीं आया। अब जो मेरा माली है ये भी मुझे सिखापन दे रहा है कि जिसकी चर्चा सुनने जाते हो क्या आपने उसकी पहचान की है? कहा कि भाई मैंने तो नहीं पहचाना, तुम बताओ। अब जिंदा दास माली कहता है कि सेठ जी, क्या आपने भागवत में मार्कंड का दृष्टांत पढ़ा है? कहा कि हाँ पढ़ा तो है। जिंदा दास माली पूछते हैं कि आपने सीखा क्या? मार्कंड की कहानी है। मार्कंडेय ऋषि एक महान योगेश्वर हैं, भागवत में वर्णित है। वे इतना तप करते हैं कि नर नारायण ऋषि उनके सामने प्रकट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। उनकी चाहना क्या है कि मैं परमात्मा से जुड़ा भी रहूं, परमात्मा के चरणों में भी रहूं और माया भी अच्छी तरह से देख लूं। आशीर्वाद देकर नारायण ऋषि चले जाते हैं। एक दिन पुष्पभद्रा नदी के किनारे ध्यान में बैठे रहते हैं मार्कंडेय ऋषि। अचानक जल प्रलय उसी समय हो जाता है। थोड़ी ही देर में उनका जब ध्यान टूटता है तो देखते हैं कि चारों ओर पानी ही पानी है, कुछ नजर नहीं आता, सारी पृथ्वी जल में डूब गई होती है। एक बरगद के पत्ते पर एक छोटा सा शिश खेल रहा होता है। उस बालक के सौंदर्य पर जैसे ही वो दृष्टिपात करते हैं वो बालक सांस लेता है तो वो उसके मुख में चले जाते हैं, मुख से होते हुए पेट में, और उसमें सारी सृष्टि दिखाई देती है, असंख्य सूर्य चंद्रमा सारी सृष्टि दिखाई देती है। फिर जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बाहर तो पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इस तरह से उनको प्रबोध होता है, धीरे धीरे उनका ध्यान टूटता है, फिर देखते हैं कि कुछ नहीं है, यानी उनको अपने श्वास मात्र से अंदर लेकर के माया दिखा दी गई। दूसरा घटनाक्रम है जो तारतम वाणी में वर्णित है कि एक बार मार्कंडेय ऋषि सरोवर के किनारे चंदन घिस रहे थे। उसके पहले उन्होंने अपने आराध्य नारायण को प्रसन्न किया था। नारायण से उन्होंने यह वर मांगा कि आप अपने चरणों में भी बनाए रखिए और हमें माया भी दिखा दीजिए। नारायण ने कहा था ततास्तु। एक दिन जैसे ही वो नारायण चंदन घिस रहे होते हैं नारायण को अपने समर्पित करने के लिए, उसी समय प्रलय की स्थिति आ जाती है। उनको निद्रा मोह निद्रा में आवृत हो जाते हैं और देखते हैं कि स्वयं को एक स्त्री के रूप में देखते हैं। फिर नारायण वो मार्कंडेय अब मैं नहीं हूँ, मैं एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया हूँ। वह स्त्री नदी में बहते बहते किसी धोबी के हाथ लग जाती है, अपरिचित है उसको अपने स्वरूप का पता नहीं। धोबी उसको घर लाता है, उससे विवाह कर लेता है, कई संतानें पैदा हो जाती हैं और घर की मोह माया से त्रस्त होकर वो सोचती हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँ। जैसे ही आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं नारायण उनको आकर के बचा लेते हैं कि तुमको पता नहीं कि तुम कौन हो, तुम तो मार्कंडेय हो, तुम स्त्री नहीं हो। यही घटनाक्रम है। मार्कंडेय के इस दृष्टांत को देखकर जिंदा दास समझाते हैं कि सेठ जी, जो ये कथा सुनाने आए हैं ये कोई साधु महात्मा नहीं है, वही अक्षरातीत हैं जिन्होंने जिनसे परमधाम की आत्माओं ने इस कृवत किया था कि 100 बार देखो अजमाए के तो भी न भूले हम। आज ब्रजराज की बात आप जानते हैं और ये भी मालूम है कि ब्रजराज के रूप में ब्रजराज के अंदर परमधाम की आत्माओं के रूप में आप भी थे, लेकिन जगाने के लिए जो प्राणनाथ जी के रूप में आए हैं यही तो हमारे धाम धनी है। रास मिने खिलाए जीने प्रकट लीला करी है तीने, धनी धाम के कहलाए ये जो साथ को बुलावना है। ये स्वयं अक्षरातीत धाम धनी है जो सब सुंदर साथ की आत्मा को जगाने के लिए आए हैं। अब तो
लालदास जी की अंतर दृष्टि खुल जाती है, उनको परमधाम के सिवा कुछ नजर नहीं आता। उठते बैठते सोते जागते उनका ध्यान केवल परमधाम में रहने लगता है। धीरे धीरे उनकी आत्मा जागृत हो जाती है, श्री जी के प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाते हैं। अब श्री जी को जाना है मस्कत की तरफ। श्री जी जब जाने को कहते हैं, सुंदर साथ व्यथित होते हैं, कहते हैं कि नहीं धाम धनी, आप हमें आदेश दीजिए, हम जाकर के बायजू राजे को छुड़ा लाएंगे, जितने भी सुंदर साथ हैं सबको हम छुड़ा कर लाएंगे। लालदास जी के पास इतना धन था कि अकेले ही सब कुछ कर सकते थे। श्री जी कहते हैं कि नहीं, वहाँ मेरे जाने का कुछ विशेष कारण है, आगे आप बीतक में सुनेंगे। भैरव सेठ है आवासी बंदर में, मस्कत में महावजी भाई हैं, कितनी आत्माएं हैं जो बाट देख रही हैं कि हमको इस माया के भवसागर से कौन कब पार उतारा जाएगा। जो माया के जीव हैं वो तो माया में ही रहना पसंद करते हैं, मंदिर में भी जाएंगे तो क्या मांगेंगे, माया। परमधाम की ब्रह्मसृष्टि ऐसी है जो माया देने पर माया लेना नहीं चाहेगी। जो साहेब संकुल हो तो दुख हो तिन, इस दुनिया में चाह कर दुख न लिया कि। दुनिया मंदिर में जाती है, पाठ रखती है, रखवाती है, तरह तरह के स्तोत्र पढ़ती है, पूजा पाठ करती है, किस लिए, कि हमको माया का सुख मिले, माया का दुख न मिले। परमधाम की ब्रह्मात्मा क्या चाहेगी, जो साहेब संकुल हो गई तो दुख हुए तिन, वो माया का दुख मांगेगी, क्योंकि दुख बिना न हुए जागनी जो करे कोट उपाय। लेकिन दुख कैसा, ऐसा नहीं कि आप भूखो तड़प कर मर जाएं, आपके पास पहनने के लिए कपड़े न हो, इसको दुख नहीं कहते। माया की नश्वरता के दुख का आभास होना चाहिए। यदि आप कंगाल हैं, आपके पास रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है, खाने के लिए भोजन भी नहीं है, आप वृक्ष के नीचे सोते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको परमधाम मिल जाएगा और आप परमहंस बन जाएंगे। माया के नश्वर सुखों के प्रति आसक्ति हमारी समाप्त हो जाए। कैसा दुख हो हमें कि माया के झूठे सुखों का आभास हमें हो जाए कि ये सुख झूठे हैं, सच्चे नहीं हैं, और हमें ये लगे कि राज्य का सुख ही सच्चा है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम करोड़पति भी होंगे, हमारे अंदर विवेक पैदा रहेगा कि नहीं, माया के झूठे सुख में कोई सुख शांति नहीं है, शांति है एकमात्र श्री राज्य के चरणों में, तो माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब सेठ लक्ष्मण दास के पास बहुत धन है, सेवा भी करना चाहते हैं। श्री जी कहते हैं कि नहीं लक्ष्मण दास, मुझे जाना होगा, राज्य का ऐसा आदेश है, क्योंकि कुछ न कुछ कारण होगा, तभी बायजू राज्य को वहाँ, तेज गौरी जी को वहाँ जाना पड़ा है, और मैं जाकर उनकी जो भी हैं, जो भी आत्माएं हैं अरब देशों में, उनकी आत्मा को जागृत करूँगा। आप श्री जी ठट्ठा नगर से प्रस्थान करेंगे मस्कत के लिए। मस्कत बंदर में महावजी भाई मिलेंगे, उनके घर जागने की कैसी लीला होती है ये आप सुनेंगे कल। आज के साथ दिन के साथ और भी कुछ घटनाएं होती हैं आज के बीतक में, जहां भी आप सुनेंगे श्री जी चर्चा करेंगे, माया की तरफ से विरोध अवश्य होगा। चाहे दीप मंदिर में गए हों तो वहां भी विरोध हुआ, ठट्ठे नगर में आए हैं तो वहां भी विरोध झेलना पड़ रहा है। ठट्ठे नगर में बल्भाचार्य मत का बहुत अधिक प्रभाव था। जब श्री जी के अखंड ब्रज राज की चर्चा गोसाई जी के बालकों को समझ नहीं आती है, तो अपने पिता से जाकर के उकसाते हैं कि कैसे महात्मा आ गए, इनको शहर से किस तरह से निकलवा दीजिए, क्योंकि बल्भाचार्य मत में जो प्रमुख गुरु होते हैं उनको गोसाई जी कहा जाता है, और उनकी गद्दी खानदानी गद्दी होती है, पिता के बाद पुत्र ही गद्दी पर बैठता है। ज्ञान तो होता नहीं, लेकिन पुत्र होने के नाते सारी गादी का अधिकार उनको मिल जाता है, और हमारे देश में ये रोग चल पड़ा है। परिणाम यह होता है कि समाज में
विघटन शुरू हो जाता है। एक दिन चर्चा में मैंने स्वाध्याय मत का वर्णन किया था। उस मत की जिन्होंने स्थापना की थी, उन्होंने अपने देह त्याग के पश्चात अपनी पुत्री को स्वाध्याय मत का उत्तराधिकारी बना दिया। उस मत में भी विघटन हो गया। राधा स्वामी मत में देखिए, उनमें भी उनके खानदान का ही कोई गादी पर बैठेगा। गायत्री शांति कुंज हरिद्वार में भी देखिए, उनके परिवार के ही लोग सर्वोपरि हैं। गुरु के लिए सारे शिष्यों का समूह ही अपना परिवार होता है। जो उसमें से योग्य दिखे उसको उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। लेकिन जब परिवार बाधावी हो जाता है, चाहे धर्म हो या राजनीति हो या किसी क्षेत्र में, तो वहाँ विघटन प्रारंभ हो जाता है। गोसाई जी के जो बालक हैं तत्व ज्ञान तो रखते नहीं, तो यही नीति अपनाते हैं, अपने पिता को उकसाते हैं। विरोध होता है, लेकिन विरोध तो आपको झेलना ही पड़ेगा। जहाँ भी वाणी का प्रकाश फैलेगा उसको रोकने के लिए कुछ लोग अवश्य खड़े होंगे, यह बात आप गांठ बांध लीजिए। पूरी बीतक में यह सुनने को मिलेगा, चाहे उदयपुर हो, चाहे मंदसौर, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे रामनगर हो, चाहे पन्ना जी हो, ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहाँ विरोध ना हो। आज भी यदि आप ब्रह्मवाणी का प्रकाश करना चाहेंगे तो कुछ न कुछ विरोध झेलना पड़ेगा, कुछ अपमान भी झेलना पड़ेगा, कुछ बदनामी भी झेलनी पड़ेगी। लेकिन जीवन का हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ए सुखदेव ब्रह्मशिष्ट को तो मैं अंगनार, मैं परम धाम की ब्रह्मात्मा तभी हूँ जो राज जी ने वाणी का प्रकाश हमें दिया है, उस प्रकाश को मैं दूसरों तक फैलाऊँ, मैं परम धाम देखूँ, युगल स्वरूप को देखूँ और सब संसार को दिखाऊँ। संसार को आज तक मालूम नहीं था कि परम धाम क्या है, युगल स्वरूप क्या है। दुनिया निराकार में भटक रही थी, बैकुंठ में भटक रही थी, सिद्धियों में भटक रही थी। सारे प्रपंचों से छुड़ाकर धाम धनी ने हमें परम धाम का मार्ग दिखाया है और बीतक में स्पष्ट कहा है, आप देखो औरों को दिखाओ। इसलिए छठे दिन की लीला में हम सुंदर सात का उत्तरदायित्व है, अधिक नहीं तो रविवार को तो समय निकालें। हम जीवन में 10 को भी जागृत कर देते हैं, 10 को भी परम धाम का मार्ग दिखा देते हैं, हर सुंदर सा संकल्प कर ले तो भी बहुत कुछ होगा। यदि हम हर रविवार रविवार को तो 1 घंटे का भी समय निकालकर किसी को साहित्य दें, किसी को समझाएं, तो भी बहुत कुछ कार्य हो सकता है। लेकिन हाँ, जहाँ प्रतिष्ठा की बात आती है, धन संग्रह की बात आती है, इसके कारण विवाद खड़े हो जाते हैं। जिसको राज्य से सच्चा प्रेम होगा, न वो प्रतिष्ठा की चिंता करेगा, न धन की चिंता करेगा, न किसी अन्य चीज़ की चिंता करेगा, वो राज्य का आदेश मानकर ब्रह्मवाणी का प्रकाश करेगा। और इस कार्य के लिए आपको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। हमारे समाज में अभी त्याग की बहुत कमी है। अभी एक सुंदर साथ ने मुझे फ़ोन किया कि वीडियो पर एक संदेश आया है, एक जैन परिवार का 10 वर्ष का बालक संन्यास की दीक्षा लिया, करोड़ों पति घर का, और माता पिता खुशी खुशी उसको बना रहे हैं कि मेरा बेटा जैन धर्म में महात्मा बन जाए, दूसरों को उपदेश दे। आप सोचिए, माता पिता खुशी खुशी, ऐसा नहीं कि गरीब हो, करोड़ों पति घर का बेटा, कुछ लड़कियां भी बन रही हैं, मैंने वो चित्र अभी देखा नहीं है। आप सोचिए, हम सुंदर साथ अभी कितने पिछड़े हैं। परम धाम का ज्ञान हमारे पास है और उनमें तो जब दीक्षा दी जाती है तो सिर नहीं मुड़वाया जाता, बाल को नोचा जाता है। किसी का एक बाल उखाड़े तो कितनी पीड़ा होती है, और वो सब हंस रहे हैं, बाल नोचा जा रहा है और हंस रहे हैं। दुनिया निराकार तक के ज्ञान पाने के लिए तड़प रही है, अपना सर्वस्व निछावर कर रही है, और हम सुंदर साथ तो किसी भी तरह का त्याग नहीं करते। घर बैठे यदि 2-2 घंटा हर सुंदर साथ निष्ठा भाव से, 2 घंटे तो क्या, 1 घंटा भी मूल मिलावे की चितवनी करें तो राज्य नज़र आ जाएंगे। दुनिया वाले 1000 साल भी समाधियां लगाते रहें तो उनको परम धाम का दर्शन नहीं होता। इतना अलौकिक ज्ञान लेकर भी हम सबसे फिसड्डी लाइन में खड़े हैं, सेवा में, समर्पण में, श्रद्धा में, प्रेम में, भक्ति में, ज्ञान में, पुरुषार्थ में। ये आत्मचिंतन की घड़ी है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं।
जब तक सुंदर साथ त्याग की भावना नहीं लाएगा, चितवनी के प्रति दृढ़ता से एकनिष्ठ नहीं होगा, वाणी के चिंतन में नहीं लगेगा, उस ज्ञान को प्रकाश में नहीं लाएगा, तब तक चाहे हम कितने मंदिर बना लें, 400 की जगह 4000 भी मंदिर बना लें, तब तक जागने का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। अब चुपाई तो रहे। श्री महामति कहे साथ जी, ए ठठे की बीतक, अब कहो मस्कत की, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।